राजधानी दिल्ली में हुए कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है। तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने यह चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के उस बयान के समर्थन में लिखी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने लिखा, मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए गए, भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में लंबी जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बीते गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को 2 हफ्ते का वक्त दिया ताकि वो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब पेश कर पाए। दरअसल सिसोदिया ने हाई कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। सिसोदिया मामले में अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।